हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे नए वीडियो में। आज बनाने वाले हैं हम बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी। आज बनाएंगे हम कॉर्न ढोकला। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और काफ़ी हेल्दी भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिए मैंने 1 कप कॉर्न। ताज़े भुट्टे के दाने हैं ये और बहुत ही सॉफ्ट दाने हैं, खाने में काफ़ी मीठे लगते हैं। तो ये ताज़े भुट्टे के दाने ले लिए मैंने 1 कप। और यहाँ पर 1 कप लेंगे हम दही। दही के साथ बनाएंगे ढोकला तो काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के रेडी होगा। अब यहाँ पर ले लेंगे हम एक मिक्सर का जार और इसमें डाल देंगे हम कॉर्न के बीज इस तरह से। फिर इसमें ऐड कर देंगे हम दही। आधा कप दही ऐड करेंगे हम, आधा कप दही हम बाद में यूज़ करेंगे। ये देखिए आधा कप दही ऐड कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर हम इसका ढक्कन लगा के और अच्छे से एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम चला लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। तो ये काफ़ी अच्छे से फाइन पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए पेस्ट हमारा रेडी हो गया है और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया है इसका। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पर एक बाउल ले लिया है मैंने और सारे पेस्ट को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब यहाँ पर जो आधा कप दही हमने बचाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ऐड करेंगे हम 1 चम्मच रेड चिली सॉस, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसमें। आधा चम्मच ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर इसमें ऐड कर देंगे हम आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। ये ऑप्शनल है, अगर आप तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर 1 कप रवा ऐड करेंगे हम, इसकी जगह आप सूजी भी ऐड कर सकते हैं मोटी वाली। और अच्छे से इसको मिक्सअप करेंगे हम, चलाते हुए एक पेस्ट तैयार कर लेंगे इसको। ये देखिए इस तरह से फेंटते जाएंगे हम एक ही डायरेक्शन में, काफ़ी अच्छे से बैटर तैयार हो जाएगा। फिर बीच बीच में इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एकदम से पानी ऐड नहीं करना है खूब सारा, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं इस तरह से। और एक ढोकले जैसा इसका बैटर तैयार कर लेना है। ये देखिए कितना बढ़िया बैटर तैयार हो रहा है हमारा, और एक ही डायरेक्शन में इसको चलाते जाना है इस तरह से। बहुत बढ़िया टेक्सचर आ गया है इसका। अब इसको हम ढककर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से फूल जाएगा रवा और दही और जो कॉर्न हमने डाला है वो बहुत अच्छे से फूल कर रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ढोकले की प्लेट ले ली है और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे ताकि जब हम ढोकले बनाएंगे तो इसमें चिपकेगा नहीं। इस तरह से ऑयल ग्रीस कर देंगे हाथों की सहायता से करें या फिर आप ब्रश से भी कर सकते हैं। इसको ऑयल ग्रीस करके हम रख देंगे एक तरफ, जब हमारा बैटर फूल जाएगा फिर इस प्लेट में हम बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे। और ये देखिए 10-15 मिनट हमने रेस्ट करने के लिए रखा था बैटर को, हम चेक कर लेते हैं एक बार। काफ़ी अच्छे से फूल गया है बैटर, ये देखिए थोड़ा सा थिक भी हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा पतला करेंगे क्योंकि ये बैटर काफ़ी थिक हो गया है, रवा काफ़ी अच्छे से फूल गया है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने और इसको अच्छे से मिक्सअप कर देंगे एक बार हम। अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक, मैंने आधा चम्मच के करीब नमक लिया है। और इसको भी अच्छे से मिला देंगे हम ताकि नमक अच्छे से मेल्ट हो जाएगा इसमें। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्सअप हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट, इससे हमारा ढोकला बहुत ही जालीदार और स्पंजी बन के रेडी होगा। तो ये 1 पैकेट हमने इनो फ्रूट सॉल्ट ऐड कर दिया है और एक बिल्कुल हल्के हाथों से इसको इस तरह से एक ही डायरेक्शन में चलाना है सिर्फ आधा मिनट। ये देखिए बैटर हमारा कितना फ्लफ़ी हो गया है, इनो डालते से ही बहुत ही हल्का हो गया है बैटर और ये बहुत ही परफेक्टली रेडी हो गया है। अब इसको हम ढोकले वाली प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से पूरा बैटर हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। बैटर में अगर आप चाहें तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं आधा चम्मच, इससे कलरफुल बनेंगे ढोकले, काफ़ी येलो येलो बनकर रेडी होंगे। अब प्लेट को इस तरह से हम 1-2 बार प्रेस कर देंगे ताकि अगर कोई एयर बबल हैं तो वह निकल जाएँ। अब यहाँ पर मैंने पहले से प्रीहीट करके रखा था कुकर को और यहाँ पर हम प्लेट इस तरह से ट्रांसफ़र कर देंगे और ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे और यहाँ पर ठंडा कर लेंगे। फिर निकाल कर प्लेट को मैंने ठंडा कर दिया है 10 मिनट, काफ़ी अच्छे से ये कूल हो गया है। और यहाँ पर हम चाकू की सहायता से इसके किनारे हटा देंगे इस तरह से ताकि निकालने में हमें आसानी हो और ये टूटे ना। और इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करके इसके किनारे हटा देंगे। ये देखिए इस तरह से हटा देंगे। अब यहाँ पर एक दूसरी प्लेट लेंगे हम और इसको इस तरह से फ्लिप कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से हल्के से प्रेस कर देंगे ताकि जो ढोकला है हमारा आसानी से निकल जाएगा।
ये देखिए ढोकला आसानी से निकल गया है हमारा। अब इसके लिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और एक चम्मच डालेंगे सरसों के दाने, दो लंबाई में कट करके हरी मिर्च और थोड़े से चॉप किए हुए करी पत्ते ऐड कर देंगे। और तड़के को हम तड़का लेंगे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए, तब तक ये हरी मिर्ची अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। और फिर तड़के को हम ट्रांसफ़र कर देंगे ढोकले के ऊपर। और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है ढोकले का, और तड़का डाल दिया है हमने। अब यहाँ पर हम इसे कट कर लेंगे, पीसेस में इस तरह से कट कर लेंगे। आप कोई भी शेप में पीस कट कर सकते हैं। तो हमारा कॉर्न ढोकला रेडी है। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बहुत ही स्पाइसी भी है। तो इसको हम कर लेते हैं सर्व। इस तरह से हम पीसेस रख देंगे प्लेट में और ऊपर से डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो ना भी डालें। और थोड़े से उबले हुए कॉर्न डाल देंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये था आज का हमारा वीडियो। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। और कॉर्न ढोकले को आप टोमेटो सॉस के साथ खाइए या फिर कोई भी चटनी के साथ खाइए, काफ़ी टेस्टी लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।